हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार। आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद। और सचिवालय सहायक को लेकर के जो है, हम लोग ऑनलाइन टेस्ट हो या क्लास हो, चाहे चैप्टर वाइज, आज हम लोग मोस्टली जो है इसमें सचिवालय सहायक से रिलेटेड जो क्वेश्चन इसमें देखेंगे हम लोग कि किस तरह से क्वेश्चन आपको ज्यादातर पूछता है। और उसमें हम जो आपको आज चैप्टर जो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा, ये आता है आपको राज व्यवस्था के अंतर्गत, आता है ना। राज मतलब होता है राजा, क्या होता है राजा, जो राजा का जो व्यवस्था जो किया गया था या किया जाता है वही व्यवस्था इसमें भी जाकर के आपको किया गया है। तो राज व्यवस्था के अंतर्गत आपका चैप्टर का नाम है, लेसन का जो नाम है लोकसभा, जिसको हम बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। इसमें क्या है कि थोड़ा सा बैकग्राउंड बताते हुए आपको चलते हैं कि किस किस लेवल से किस तरह से क्वेश्चंस आपको आते हैं, क्योंकि हम बार बार आपको बोलते हैं कि मेरी कंटेंट ही मेरी पहचान है। और मेरा पढ़ाने का एक ही मकसद है कि अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं, चाहे ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ा रहे हो या ऑफलाइन के माध्यम से पढ़ा रहे हो, तो क्लास में ही आपको याद होनी चाहिए, ये मेरा मकसद है। तो इसमें इस चैप्टर को अगर पढ़ाएंगे तो लगभग 4 दिन लगेगा, लेकिन फिर भी आपको बेसिक कंसेप्ट जो कुछ देते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो आपको एग्जाम में आपको डायरेक्ट रूप से आपको हिट करेगा। देखिए, ये है वेन डायग्राम से हम बताते हैं बच्चों को, आपको भी हम बता रहे हैं कि क्या है कि पार्लियामेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं संसद। क्या बोलते हैं? संसद, पार्लियामेंट। इसका संविधान का अनुच्छेद जो है 79 में इसका वर्णन किया गया आर्टिकल है। ये आपका राज्यसभा है, कौन है? राज्यसभा है। इसका अगर 79 है तो निश्चित रूप से आर्टिकल जो होगा ये 80 होगा, और ये आपका निम्न सदन है, इसी को हम लोग बोलते हैं लोकसभा। क्या बोलते हैं? लोकसभा। अगर वो 80 है तो ये क्या हो जाएगा? 81, यानी कि 81। देखिए कितना सिंपल है, आपको 444 अनुच्छेद है, उन 444 अनुच्छेद में आपको मात्र 50 अनुच्छेद ही पढ़ना है। और कैसे आपको याद हो जाएगा, बातों बातों में हम लोग पढ़ते पढ़ते उसको याद कर लेंगे। कोई ज्यादा आपको सोचने वाली बात नहीं है, और ज्यादा कोई अलग से आपको याद करने की कोई आपको सोचना ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पार्लियामेंट। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बता देते हैं कि पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, और ये होते हैं राष्ट्रपति। नाम सुने ना, प्रेसिडेंट। 3 अंग होते हैं ये, आपको ग्रुप डी लेवल का छोटा जो क्वेश्चन जो रेलवे वगैरह का होता है एग्जाम, उसमें निश्चित तौर पर ये क्वेश्चन आपको आते हैं। या बिहार में अगर बिहार पुलिस से संबंध अगर क्वेश्चन आता है तो इसी टाइप से छोटा सा क्वेश्चन आता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो जो भी हमारे भारत के जो है वाइस प्रेसिडेंट होंगे, जो उपराष्ट्रपति होंगे, वही जाकर के राज्यसभा के सभापति का सभापतित्व करते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष, इसका वर्णन जो है, देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा आपको बताते चल रहे हैं, आपको बहुत ही मजा आएगा। सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जान लेंगे, इसका इतिहास के बारे में। इतिहास के बारे में है कि आप नाम सुने होंगे कि ड्यूक ऑफ कर्नाट का, जो कर्नाट पैलेस के नाम से दिल्ली में जो किया है, एक पैलेस भी है। तो ड्यूक ऑफ कर्नाट के द्वारा जो है 12 फरवरी, है ना, 12 फरवरी 1921 को जाकर के इसका जो है उद्घाटन किया गया था। क्या जिसको बोलते हैं ना, शिलान्यास किया गया था, यानी कि 12 फरवरी 1921 को इसको बनने में 6 साल लग गया था। कितना साल लगा था? 6 वर्ष लगा था। और अंततोगत्वा जाकर के आपको 1927 ईस्वी में लॉर्ड इरविन का नाम सुने होंगे, लॉर्ड इरविन के द्वारा इसका जाकर के आपको विधिवत इसका उद्घाटन किया गया। तो शिलान्यास कब हुआ? 12 फरवरी 1921 को। ये भी याद रखिएगा, 18 फरवरी है, 18 फरवरी 1927 को। 1927 के मैं आपको याद दिला दूं, 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन में जाकर के भारत आया था, मैंने वहां से चला था इंग्लैंड से, और 3 फरवरी 1928 को इंडिया पहुंचा था 1927 में। उसी को बोलते हैं गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ, जो क्योंकि उसमें विरोध किया गया था, क्योंकि उसमें एक ही भी सदस्य उसमें भारतीय नहीं थे, 7 सदस्यीय दल था। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में भारत आया था, लेकिन उसमें एक भी भारतीय नहीं होने के कारण उसको जाकर के बैरंग जो है कि लौटना पड़ा, ठीक है ना। अभी बिहार बीपीएससी में क्वेश्चन आपको आया था इसी के, आपको जब लाहौर में जब जाकर के साइमन कमीशन जब पहुंचा था, तो वहां पर जो है जाकर के लाला लाजपत राय जो है भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे, उसमें गंभीर रूप से चोटिल हुए और
मरने से पहले कहे थे कि मेरे शरीर पर पड़ा हुआ एक एक लाठी का प्रहार अंग्रेजों की कफन का कील बनकर साबित होगा। और उन्हीं के द्वारा एक बुक लिखा गया जिसका नाम है अनहैप्पी इंडिया। बीपीएससी सरसठ में भी ये क्वेश्चन आपको आया हुआ था। तो मेरी कंटेंट ही मेरी पहचान है। मेरा 28 फरवरी को एक वीडियो अपलोड हुआ था कि वो एक वीडियो से 18 क्वेश्चन आए थे बीपीएससी में। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं होती है, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि मेरी कंटेंट ही मेरी पहचान है। और आशा करते हैं कि आपको भी बहुत मजा आएगा। अब देखिए थोड़ा सा समझ गए 27 की बातें 21 की बातें। एडवर्ड लुटियंस का नाम सुने होंगे। एक हम आपको ट्रिक बता रहे हैं कि दिल्ली लूट गई संसद बेकार हो गई। भाई अगर दिल्ली लुटा जाए तो संसद तो बेकार ना हो जाएगी। बोलिए होगा कि नहीं होगा? कौन जाकर पार्लियामेंट, जब दिल्ली लुटा जाएगा तो कौन जाकर के पार्लियामेंट में बैठेगा? कौन जाकर उसका मतलब कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो दिल्ली लुटा गई, दिल्ली लुटा गई का मतलब होता है कि दिल्ली का वास्तुकार जो है एडवर्ड लुटियंस को कहा जाता है। किसको बोलते हैं? एडवर्ड लुटियंस को। कॉपी कलम लेकर के बैठिए, आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जो आपके माइंड में जो है घूमता रहेगा। क्योंकि हम लिखते बहुत कम हैं, बोलते बहुत ज्यादा है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि आप निश्चित रूप से आप एक पेन ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, और जब भी हमारे वीडियो आप आगे देखते होंगे तो अदर वीडियो की अपेक्षा मेरा वीडियो आप देखिएगा तो निश्चित तौर पर कुछ कंटेंट जो अलग मिलते हैं आपको। बहुत सारे कुछ ऐसे ऐसे नया नया सेक्शन बताएंगे जो आपको एग्जाम्स में डायरेक्ट रूप से जाकर के हिट कर गया, हिट करता भी है, इसीलिए तो कम समय में जाकर के आपको यूट्यूब पर जो है आपको कम समय में ज्यादातर पॉपुलर हुए हैं, चाहे कोई भी सेक्शन हो। तो हम बात कर रहे थे कि दिल्ली लुट गई संसद बेकार हो गई, यानी कि दिल्ली का वास्तुकार जो है एडवर्ड लुटियंस है और संसद का जो वास्तुकार है उसका नाम है बेकर। क्या नाम है? एडवर्ड बेकर, उसी को हम लोग बोलते हैं बेकार। रायसीना पहाड़ी का नाम सुने होंगे, दिल्ली जो है रायसीना पहाड़ी पर सिचुएटेड है, नाम सुने होंगे। यमुना नदी का भी नाम सुने होंगे, है ना, दिल्ली सिचुएटेड बैंक ऑफ द रिवर यमुना, ठीक है ना। तो इस तरह से आप उसको देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको अराइज होगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं लोकसभा की बात करेंगे, तो अब देखिए हम राज्यसभा की नहीं बात करेंगे, हम सिर्फ लोकसभा की बात करेंगे। अगर दोनों में अगर तुलना करेंगे तो यहीं पर बहुत बड़ा वीडियो चला जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ी बातें ऐसी है जो आपको हम बता सकते हैं, बता भी रहे हैं। देखिए लोकसभा क्या है? एक निम्न सदन है ना, ये क्या है आपका? उच्च सदन है ना, ये क्या है? उच्च सदन है, लिखना कम है, थोड़ा सा बताते हैं। इसमें जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए, एमपी बनने के लिए आपको कम से कम उम्र जो है 25 वर्ष होना जरूरी है, और इसका जो है आपको 30 वर्ष होना जरूरी है, यानी कि 30 वर्ष आयु अगर कंप्लीट कर लेंगे तभी जाकर के राज्यसभा के मेंबर बनेंगे। इसका क्या होता है कि हम लोग प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में भाग लेते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जाकर के वोटिंग करते हैं, जबकि राज्यसभा के सदस्यों जो मेंबर जो होते हैं वो जाकर को जनता उसमें वोटिंग नहीं करती है, ठीक है ना। तो निश्चित तौर पर जो है कि इससे, और ये क्या है, यह एक अस्थाई सदन है। क्या है? अस्थाई है, इसका विघटन नहीं होता है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद जाकर के 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर कर जाते हैं, लेकिन यह क्या है? अस्थाई है ना, अस्थाई सदन है। आज सरकार अगर गिर जाए तो सब डपला डपली लेकर के फील्ड में उतर जाएगा लोग कि बैगन छाप पर मुहर लगाइए, भंटा छाप पर मुहर लगाइए, भारी मतों से विजयी बनाइए, ठीक है ना। तो बहुत ऐसी बातें हैं जो आपको छोटे छोटे पॉइंट्स पर हम आपको बताते चल रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि ये देखिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, थोड़ा सा समझिए यहां पर हम क्या बोल रहे हैं। जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है जो चुनाव जीतते हैं, और चुनाव जीत करके अगर मान लीजिए कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहुंचते हैं तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं, पता है ना। पिछला बार जो है आपका 17वीं लोकसभा का गठन हुआ है, ठीक है, 17वीं लोकसभा का गठन हुआ है जिसमें आपका प्रोटेम स्पीकर जो है वीरेंद्र कुमार को बनाया गया, ठीक है। तो यहां पे एक क्वेश्चन और अराइज हो रहा है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति, और प्रोटेम स्पीकर का शपथ ग्रहण कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति। प्रोटेम स्पीकर का प्रावधान जो है संविधान के कितना अनुच्छेद में है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो आर्टिकल आप जो है आर्टिकल याद कर लीजिएगा, आर्टिकल आपका 99 में है। और प्रोटेम स्पीकर जो है ना स्टेट में भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेंट्रल में आपका राष्ट्रपति हो गए, स्टेट में कौन होते हैं? राज्यपाल। कौन होते हैं? राज्यपाल। तो राज्यपाल भी जाकर देखिए, यहां पर सेंट्रल की अगर बात आया तो स्टेट का ही बता देते हैं। तो
राज्यपाल भी जाकर के प्रोटेम स्पीकर का नियुक्ति करते हैं, वो आपका अनुच्छेद जो है आपका 180 का क में है या 180 का ए में है। तो सेंट्रल भी आपको याद हो गया और आपका स्टेट भी आपको याद हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है, कहने का मतलब ये है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसको याद रखना होगा। अब देखिए हम जो है अध्यक्ष पर चलते हैं, है ना, संविधान का अनुच्छेद जो है आपका 94 कितना है, आर्टिकल जो है 94 में यह कहा गया है कि जो भी लोकसभा का गठन होगा उसके लिए एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का होना अनिवार्य है। ठीक है, तो इसमें जाकर के आर्टिकल जो है 94 में प्रावधान किया गया है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष भी होना जरूरी है। और लोकसभा अध्यक्ष कौन होता है, जो बहुमत दल की पार्टियां होती है, जो सबसे ज्यादा जो है जाकर के लोकसभा में जीत करके जाती है, तो यह एक साधारण जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की भूमिका निभाते हैं और उन्हीं को जाकर इसका शपथ ग्रहण नहीं होता है। ठीक है ना, कोई पार्टिकुलर रूप से लोकसभा अध्यक्ष का शपथ ग्रहण नहीं होता। अभी हमारा वर्तमान में जो है लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला साहब है। कौन है? ओम बिरला, है ना। ओम बिरला साहब जो है राजस्थान में कोटा का नाम सुने होंगे, तो कोटा जो है जगह है और बहुत पॉपुलर जगह है कोटा, वहीं से जाकर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है इलेक्ट होकर के आए थे। ठीक है ना, वहीं से जाकर के इलेक्ट होकर के आए थे और ओम बिरला साहब को जाकर के 17वीं लोकसभा का आपको जाकर के अध्यक्ष बनाया गया। उपाध्यक्ष की बात करते हैं, उपाध्यक्ष जब भी होगा वो अपोजिशन का होगा, यानी कि विपक्ष का। अभी पक्ष में कौन है, ये बीजेपी के है। कौन है? ये बीजेपी के है ओम बिरला। ठीक है ना, और ये भी ध्यान रखिएगा कि टोटल सीटों की संख्या है 545, इसको भी आपको बाइफरकेट कर देते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो 545 का मतलब होता है कि 530 जो है आपका स्टेट से जाएंगे, 13 कहां से जाएंगे, तो आपका जो है टेरिटोरियल स्टेट केंद्र शासित प्रदेश से, और 2 जो है आपका जो है राष्ट्रपति का नाम सुने होंगे, राष्ट्रपति जाकर के एंग्लो इंडियन का 2 का जाकर के नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अब वहां प्रावधान है कि संविधान के कितना अनुच्छेद में जो है जाकर के आपको, जैसे राज्यसभा में देखते होंगे 12 मेंबर को, या लोकसभा में कितना है, तो 2 मेंबर को। ठीक है, तो आर्टिकल आपको याद होगा, नोट कर लेगा, अनुच्छेद 331 है। कितना है अनुच्छेद 331, है ना, उसी के तहत राष्ट्रपति को यह पावर दिया गया है कि 2 एंग्लो इंडियन का आप नियुक्ति कर सकते हैं। और राज्यसभा में कितना है, तो 12। वो कौन से लोग होंगे, वो आपको कला क्षेत्र, साहित्य, विज्ञान, है ना, खेल जगत, ऐसे ऐसे मैंने किसी न किसी रूप में ख्याति प्राप्त कर लिए हो। अगर बात करते हैं कि भारत की प्रथम महिला जो है फिल्म अभिनेत्री का नाम बताइए जो जाकर के पार्लियामेंट की मेंबर बनी थी, उसका नाम है आपका नरगिस दत्त। नाम सुने है ना, नरगिस दत्त। आपका करंट की अगर बात करते हैं, सचिन तेंदुलकर का नाम नहीं भूलेंगे, रेखा का नाम नहीं भूलेंगे, ये सब जो है आपको, जया बच्चन का नाम नहीं भूलेंगे। ठीक है ना, तो ऐसे ऐसे जो अभिनेत्री और अभिनेता है और खेल जगत के खिलाड़ी हैं जो जाकर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जाकर के सुशोभित कर चुके हैं। इतना तक तो समझ में आ गया होगा आपको, तो सबके बारे में आपको बता देते हैं थोड़ा थोड़ा, इतना तो है ध्यान होगा। देखिए वर्ष में कम से कम 2 बार जो है जाकर के सत्र का होना जरूरी है और दोनों के बीच का अंतर जो है 6 माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो राष्ट्रपति के पावर है, राष्ट्रपति के पास एक आर्टिकल है, आर्टिकल 123 है ना, कितना है 123, ये जाकर के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। कोई भी अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई भी अगर सदस्य जो अगर लगातार अगर 60 दिन तक जो उपस्थित अगर रहता है, उस स्थिति में लोकसभा का पावर है, लोकसभा अध्यक्ष का पावर है उसका मेंबरशिप खत्म करने का। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको बताएंगे। अब देखिए कभी कभी देखते होंगे संयुक्त अधिवेशन वर्ड आ गया, संसद का विघटन, तो संयुक्त अधिवेशन जो है आपका अनुच्छेद 108 में है। तो संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है भाई, तो राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको अराइज करके बता रहे हैं, आता भी है, आएगा भी, लेकिन किताब में जल्दी मिलता नहीं, ये अपने से मन से हमें राइज किए थे। अगर मान लिया जाए कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसी भी परिस्थिति में अगर वो अनुपस्थित है, उपस्थित नहीं अनुपस्थित है, उस स्थिति में जो है कि आपको संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, उस स्थिति में क्या होगा, आपको संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? ऑप्शन है आपका वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति, यानी कि दूसरा ऑप्शन में है कि राज्यसभा का उपसभापति,
तीसरा ऑप्शन में है कि लोकसभा सॉरी राष्ट्रपति द्वारा चुने गए कोई वरिष्ठ जो है पार्लियामेंट सदस्य या इनमें से कोई है। ये एक उस क्वेश्चन का आपको आंसर आपको ढूंढ करके आपको जवाब आपको कमेंट्स बॉक्स में आपको देना होगा। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को अराइज करते हैं ताकि आपके एग्जाम्स में किसी भी तरह का कोई सेक्शन आपको अछूता नहीं रहे। ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक है लोकसभा का, और लोकसभा का स्ट्रक्चर, लोकसभा का मान लीजिए कि बहुत सारा पावर भी है, जैसे बहुत सारे पावर है, ये सब सारा चीज आपको देखना होगा। तो संसद का विघटन और संसद का संयुक्त अधिवेशन तो आपको याद हो गया, संयुक्त अधिवेशन का प्रधान संविधान का अनुच्छेद कितना में है, 108 में, अनुच्छेद आपका 85 है, अनुच्छेद क्या है 85 है आपका, जाकर इसमें जो संसद का विघटन का प्रावधान किया गया है यानी कि अनुच्छेद कितना में 85 में। ठीक है, राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार होता है अनुच्छेद आपका कितना में 87 में, अनुच्छेद 110 का भी आप सुने होंगे, अनुच्छेद 10 कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन लेता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, धन विधेयक के मामले में लोकसभा को बहुत पावर है लेकिन राज्यसभा को बहुत सीमित उसमें पावर है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे ऐसे पॉइंट्स आपको अराइज करके आपको बता रहे हैं ताकि आपको देखने में जो है ना बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही मार्मिक और बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको याद रखेंगे। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि टोटल सीटों की संख्या आपको बता दिए ना, ये 91वां संविधान संशोधन जो है इसमें जाकर के नोट कर लीजिएगा आपको 91वां संविधान संशोधन में स्पष्ट तौर पे कहा गया था कि मेंबर और पार्लियामेंट का जाकर के आपको सदस्यों की संख्या न बढ़ेगी और न घटेगी, यानी कि यथावत रहेगी। कब तक यथावत रहेगी, तो 2026 तक। जो आपका है जैसे अभी देखते होंगे मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसमें जाकर के आप लोग देखेंगे 2001 में जाकर के हुआ था ये अमेंडमेंट जो था 91वां संविधान संशोधन, ये 2001 में हुआ था। तो इसमें स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि लोकसभा सदस्य है या राज्यसभा के सदस्य है या आपको विधानसभा के मेंबर है, किसी भी स्थिति में जो है कि 2026 तक जो है कि नहीं बढ़ेगा ना घटेगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, बहुत अच्छी पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि प्रथम लोकसभा का गठन जो है आपका जाकर के 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। कब हुआ था गठन, देखिए गठन में और सत्र में अंतर होता है। पहली बैठक, ठीक है ना, पहली बैठक जाकर के 13 मई 1952 को हुआ था। कब हुआ था 13 मई 1952 को, है ना, और लोकसभा का गठन का आपको पहले ही बता चुके हैं कि लोकसभा का गठन जो है संविधान के अनुच्छेद कितना में है, तो 81 में है। कितना में है, 81 में। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स भी आपको मिलेंगे। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान आपको कितना में है, तो 108 में। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन क्या कहता है जी, 61वां संविधान संशोधन कहता है कि व्यस्त मताधिकार किया, ठीक है ना, इसमें जाकर के 21 वर्ष में घटा करके 18 वर्ष किया गया था। ठीक है ना, क्या किया गया था, 21 वर्ष में घटा करके 18 वर्ष कब किया गया था, 1989 ईस्वी में। ठीक है, तो ये भी जो भी व्यस्त है उनका जो है राइट बनता है, संवैधानिक प्रावधान है, वो जाकर के अपना वोट दे सकते हैं, देते भी है, ये भी आपको याद होगा। तो बहुत ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको हम बता दें। और भारत में आपको देखे होंगे जैसे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो है लोकसभा सीटों की संख्या है 80, और आपका उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद आता है महाराष्ट्र का जिसमें 48 से 48 है, और उसके बाद आता है हम लोगों का बिहार जिसमें आपका 40 है ना। तो ऐसे ऐसे प्रावधान भी आपको जो मिलेंगे और बहुत सारे पॉइंट्स जो है आपको देखने में भी लगेगा कि क्या सही और क्या गलत है। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए सपोर्टेड की अगर राज्यसभा में रहेंगे तो जो भी हमारे भारत के उपराष्ट्रपति होंगे वो जाकर के राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका उपाध्यक्ष जो जिसको उपसभापति बोलते हैं, तो बिहार के ही रहने वाले हरिवंश नारायण सिंह जो जदयू के नेता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, और उन्हीं को जाकर के राज्यसभा का उपसभापति बनाया गया है। ठीक है, और भी देखते होंगे कि जैसे लोकसभा की अवधि है ना, लोकसभा की अवधि जो विशेष विशेष अगर परिस्थिति में ऐसा होगा तो 1 वर्ष के लिए हम उसको बढ़ा सकते हैं, है ना। अगर 1 वर्ष आपातकाल की घोषणा, आपातकाल की अगर बात अगर आ गया तो भारत में तीन बार जाकर के आपको 352 का उपयोग किया गया, 1962 में, 1972 में और 1975 में। ये 3 बार जाकर के भारत में अनुच्छेद 352 आर्टिकल जिसको बोलते हैं, नोट कर लीजिएगा, आर्टिकल 352 बाह्य आक्रमण या आंतरिक गड़बड़ी के कारण जो है जाकर के 352 का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है जाकर के 1962 ईस्वी में चीन जो है जाकर के भारत पर आक्रमण किया था, और उस समय चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई, कौन था, चाउ एन लाई, और इधर भारत की तरफ से हमारे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू।
72 में देख रहे हैं ना, जुल्फिकार अली भुट्टो का नाम सुने होंगे, तो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जो है जाकर के पाकिस्तान के और भारत की तरफ से, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, और 1975 में इमरजेंसी लगाया गया था, और उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री थी जिसको लॉ ऑफ महिला के नाम से भी जाना जाता है, और वो थी इंदिरा गांधी, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में सुशोभित हुई थी। तो ये जो है 352 का उपयोग की बात कर रहे हैं कि उस स्थिति में जो है जाकर के आपातकाल की उद्घोषणा, तो एक बार में हम लोग जाकर के उसको 6 माह तक उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और भी विशेष परिस्थिति में जाकर के उसी के अंदर में जो है कह सकते हैं कि चुनाव भी कराया जा सकता है ना। लोकसभा का हम बात करते हैं, अगर विघटन जो है तो 6 महीना तक जाकर के प्रभावित रहता है, और वर्ष में कम से कम 2 बार जो है लोकसभा का सत्र होना बहुत जरूरी है ना, और दोनों में दोनों के बीच का 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपको पहले ही बता चुके हैं अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति, तो राष्ट्रपति के पास पावर है, वो जाकर के आपको अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ठीक है। मध्यावधि भी चुनाव बहुत बार हो चुके हैं, 5 बार जो है भारत में जो है कि मध्यावधि चुनाव हो चुके हैं, जैसे 1970 में देखे होंगे इंदिरा गांधी की सरकार था उस समय जाकर के मध्यावधि चुनाव हुआ, उसके बाद जाकर के 1979 में जो है चौधरी चरण सिंह का नाम सुने हो उस समय जाकर के मध्यावधि चुनाव हुआ, 1991 में डॉक्टर चंद्रशेखर थे है ना उस समय जाकर के मध्यावधि का चुनाव हुआ, उसको 1998 में इंद्र कुमार गुजराल आई की गुजराल के नाम से प्रसिद्ध थे, ठीक है, और लास्ट में आपका देखेंगे 1999 में जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे मध्यावधि चुनाव हुआ। तो ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत बार ये क्वेश्चन जो आपको पूछता गया। अब है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष या कह सकते हैं कि पितामह है ना, उनको बोला जाता है गणेश वासुदेव मावलंकर, जीबी मावलंकर को कहा जाता है। हम बात कर रहे थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात कर रहे थे, ठीक है, तो लोकसभा की अगर प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे तो उनका नाम है जीबी मावलंकर। क्या नाम है? जीबी मावलंकर, ठीक है, ये इनको बोलते हैं गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है, ये लोकसभा के पितामह के नाम से भी जाने जाते हैं, ध्यान रखेंगे। ये जाकर के आपको पहली बार जो है 15 मई 1952 को, 52 से लेकर के जाकर के 27 फरवरी 1956 तक जाकर के लोकसभा के प्रथम जो है अध्यक्ष रहे। दूसरी बात क्या है कि इस पर जाकर के आपको अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, ये मानी कि हटाने के लिए, ठीक है, इनको ये पहले ऐसे शख्स हैं यानी कि लोकसभा के पितामह यानी कि जीबी मावलंकर, जिनको जाकर के अपने पद से इनको पदच्युत करने के लिए जाकर के अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन वो जाकर के आपको पार्लियामेंट में लागू नहीं हो पाया, ठीक है। दूसरी बात है कि उपाध्यक्ष जो अनंत सैनम का नाम सुने होंगे, अनंत सैनम अयंगर उनका पूरा नाम है, तो वो जाकर के पहली बार जो है जाकर के लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में सुशोभित हुए, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपको और भी ध्यान रखें कि लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने के लिए सिर्फ जाकर के लोकसभा सदस्यों का होना अनिवार्य, मैंने वो हटा सकता है कि नहीं हटा सकता है, ऐसा जो है हुकुम सिंह के बारे में भी हो चुका है 1996 में 1966 में, और बलराम जाखड़ का भी नाम सुनेंगे जाकर के, इनके बारे में भी जाकर के वो आपको 1988 में है ना, लेकिन इसमें जाकर के इन दोनों के बारे में पदच्युत करने के लिए, पोस्ट से हटाने के लिए इनको जाकर के जो है कि संकल्प पेश किया गया था, लेकिन वो पारित नहीं हो पाया, ठीक है। तो बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन जो है इससे अराइज होता है, और आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे पॉइंट्स आपको बताएंगे कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए दूसरी बात है कि लोकसभा का गठन जो है अपने प्रथम अधिवेशन की तिथि से, बात समझ रहे हैं, बैठक नहीं, अपने प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष के लिए जाकर के उसको होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए सपोर्ट डेट की अभी अभी सरकार चल रही है, अभी सरकार चल रही है, अभी हमारे लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला साहब है। हो सकता है कि अगला बार जो है कि वो लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे, यानी कि बीजेपी की गवर्नमेंट अगर नहीं बन पाई, उस स्थिति मान लीजिए कांग्रेस की सरकार बन पाई, तो होगा क्या कि जब कांग्रेस का जब गठन होगा है ना, यानी कि लोकसभा का जब गठन होगा, तो उस समय तक ओम बिरला साहब जो हैं जाकर के लोकसभा अध्यक्ष के पद पर सुशोभित हैं, ठीक है, ध्यान रखिए कि बहुत अच्छा पॉइंट बता रहा है। उस पीरियड तक जाकर के वो बैठक कर सकते हैं, और उसके बाद ही जब जाकर के चयन कर लिया जाएगा कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन होंगे, तब उनको पदमुक्त करके और जाकर के नए मेंबर को जाकर के लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर जाकर के विराजमान किया जाएगा। तो बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा, और ये बहुत बार ये क्वेश्चन जो आपको आ चुका है, ठीक है।
और बीच बीच में आप लोग देखेंगे कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति जाकर के लोकसभा को भंग कर सकते हैं, और ऐसा बहुत बार हो चुका है। जैसे 1970 की हम बात बताएं, 1970 में आपका इंदिरा गांधी की सरकार है ना, उसके बाद 1979 में चौधरी चरण सिंह का, 1991 में चंद्रशेखर सिंह का, ठीक है, उसके बाद 1999 में आपको अटल बिहारी वाजपेयी का, 1998 में आपको इंद्र कुमार गुजराल का, ये भी ध्यान रखें। 352 पहले भी बता चुके हैं, 352 क्या है कि बाह्य आक्रमण या आंतरिक गड़बड़ी के कारण जो है जाकर के भारत में जो तीन बार जाकर के आपात उपबंध लगे हैं, यानी कि इमरजेंसी लगा है, ठीक है। तो जाकर के 352 की समाप्ति के बाद जो है लोकसभा की अवधि जो है 6 माह से अधिक बढ़ाई जा सकती है, इस स्थिति में 352 की स्थिति में, और विशेष परिस्थिति में लोकसभा का कार्यकाल जो है 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। दूसरी पॉइंट ये है, जिसे एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं कि 1 वर्ष से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है, जैसे 1977 का एग्जाम्पल दे रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है ना, लोकसभा अध्यक्ष जो है, सही बात है कि लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है, बल्कि वह सामान्य जो है सदस्य के रूप में जाकर शपथ लेता है, और लोकसभा का कार्यकारी अध्यक्ष भी होता है और लोकसभा के सदस्य के रूप में जाकर वो पद ग्रहण करता है, ये भी पता है। दूसरा पॉइंट ये है कि ध्यान रखेंगे, दूसरा पॉइंट क्या है कि आपको कभी कभी पूछता है कि लोकसभा में विपक्ष के प्रथम जो है मान्यता प्राप्त नेता कौन थे, समझ रहे बात को ना, तो उसमें नोट कर लीजिएगा कि आपको 1969 में 1969 में राम सुभग सिंह को जाकर के पहली बार 1969 में, ये सब अच्छा क्वेश्चन है, 1969 में राम सुभग सिंह को, किसको, राम सुभग सिंह को पहली बार जाकर के लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में जाकर के इनको मान्यता मिला था, ठीक है। 118 का चार क्या कहता है, अनुच्छेद 118 का चार कहता है कि लोकसभा का अध्यक्ष, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष अगर दोनों उस स्थिति में अगर दोनों अगर अब्सेंट रहते हैं तो राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो जाकर किसी भी जाकर के वरिष्ठतम सदस्य को यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इसकी नियुक्ति कर सकते हैं, आर्टिकल कितना में है, 118 के चार में है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में किसको जाकर के नॉमिनेट राष्ट्रपति कर सकते हैं, तो किसी को भी कर सकते हैं, वो आर्टिकल आपका 118 का कितना है, चार है, ठीक है। राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया, ये तो दैट इज वेरी सिंपल, राष्ट्रपति पर महाभियोग कितना है, अनुच्छेद 161 है। अब ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हम आपको बता रहे हैं, अगर ये बताइए कि राष्ट्र, क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया सबसे पहले संसद के किस सदन में किया जा सकता है, कोई आंसर देता है लोकसभा, कोई देता है राज्यसभा, है ना, लेकिन ध्यान रखिएगा कि संसद की किसी भी सदन में हम पहले जो है महाभियोग की प्रक्रिया हम ला सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा में ही लाएं, कोई ज़रूरी नहीं है कि राज्यसभा में ही लाएं, लेकिन अगर जिस सदन में अगर ला रहे हैं तो 2/3 उसका बहुमत होना जरूरी है, ये भी ध्यान रखिएगा, 2/3 उसका बहुमत होना जरूरी है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो धन विधेयक भी आपको याद रखिएगा, धन विधेयक जो है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन लेता है, तो लोकसभा अध्यक्ष लेता है, आर्टिकल कितना में है, 110 में है। धन विधेयक के मामले में जो है लोकसभा को बहुत पावर है, लेकिन राज्यसभा को बहुत सीमित जाकर इसमें पावर आपको दिया गया है ना, तो ये भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी कोरम पूछता है, कभी कभी कोरम पूछता है, कोरम या गणपूर्ति कहा जाता है, तो कोरम का मतलब होता है 1/10, अगर कुल मेंबर का अगर 1/10 पार्ट भी अगर मेंबर अगर नहीं अगर उपस्थित होते हैं उस स्थिति में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं चलेगा, बात कहने का मतलब यही है, ठीक है ना। अब देखिए, संयुक्त अधिवेशन तो बता ही दिए हैं, संयुक्त अधिवेशन आपका एक अनुच्छेद 108 में है, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया ये भी जो है अनुच्छेद आपका जो है आर्टिकल जो है 368 है, कितना है 368, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया। अब है ध्यान रखेंगे कि जा करके हमारा बोल सकते हैं कि लोकसभा में जो है तीन गो ऐसा विधेयक था जो जा करके आपको जो है कि क्या हुआ था, आपको लंबित था, है ना, लंबित था, मैंने तीन बार जाकर के संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहला आपका दहेज प्रतिबंध, नाम सुने होंगे विधेयक 1959
है ना, वो जाकर के 61 में, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, लोकसभा में पारित हो गया था लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हुआ था। दहेज है, बैंकिंग सेवा आयोग है 1977 में, यानी कि 1977 में हमारे देश के प्रधानमंत्री थे मुरारजी देसाई। मुरारजी देसाई से एक और क्वेश्चन एराइज होता है कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने वाले इनमें से कौन थे, तो सही इसका आंसर होगा मुरारजी देसाई। और मुरारजी देसाई कहने का मतलब ये है कि वो जाकर के आपको जनता पार्टी की सरकार बनी थी और उसमें जाकर के पीएम बने थे, पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छा अच्छा काम नहीं किया, बहुत उथल पुथल कर दिए थे। और तीसरा आपका है प्रिवेंशन एक्ट, जिसको पोटा बोलते हैं, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ठीक है ना, पोटा, आतंकवाद निवारण अध्यादेश जो है 2002 में जाकर के लागू हुआ। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये सब जो है जाकर के लंबित था, एक सदन में पास था, एक सदन में लंबित था। ये जाकर के संयुक्त अधिवेशन जो है, यानी कि संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 का उपयोग जो है अब तक से 3 बार किया जा चुका है, ठीक है। और भी देखेंगे, सातवीं अनुसूची का नाम सुने होंगे, सातवीं अनुसूची कहने का मतलब कि संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। तो अगर मान लीजिए भारत में मान लीजिए कि राष्ट्रीय आपात अगर लागू है, उस स्थिति में राज्य सूची पर विषय बनाने का पावर किसको है, किस स्थिति में राज्य सूची पर विषय बनाया जा सकता है। पहला नंबर तो ये ध्यान रखिए कि जो मेरा मूल संविधान है, जो मेरा मूल संविधान जो लिखा चुका है, ठीक है, उसमें कोई भी हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। पहला पॉइंट समझ लीजिए, उसमें हम आपको जो है ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका 368 का क है, 112 का ख है, 114 का ग है, उस मूल पाठ को, मूल ढांचा को कभी हम उसको हटा नहीं सकते हैं, बशर्ते कि उसमें हम उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं आपको बता रहे हैं। दूसरी बात ये है कि नाम सुने होंगे आप लोग, एम हिदायतुल्ला का नाम सुनेंगे, भारत के पहले ऐसे मुख्य न्यायाधीश हुए जिन्होंने जाकर के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सुशोभित हुए। ये पता है ना आपको, डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम सुने होंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु जो है 1969 में हो गया था, 1969 में हो गया था, ठीक है। और उस समय हमारे देश के उपराष्ट्रपति कौन थे, बीबी गिरी थे। बीबी गिरी को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था, हालांकि वो राष्ट्रपति बने, जब जाकिर हुसैन मर गए, मरने के बाद बीबी गिरी राष्ट्रपति का ही पद पर सुशोभित हुए, तो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों हो गए। अब बीबी गिरी को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था, इसलिए पद से इस्तीफा देना था, तो इस्तीफा उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों से दिए, क्योंकि उसमें कहा गया है कि सिलाब के पद पर नहीं होना चाहिए। उस स्थिति में हमारे देश के जो है मुख्य न्यायाधीश जो थे एम हिदायतुल्ला, और एम हिदायतुल्ला ने जाकर के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश, ये तीनों का जाकर कृत्यों का निर्वहन कर चुके हैं, यानी कि 20 जुलाई 1969 से लेकर के 24 जुलाई 1969 तक, बहुत कम समय के लिए रहे थे। देखिए बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा था, रेलवे बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया था, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1924 ईस्वी में। अब क्या किया गया कि उसको मर्ज कर दिया गया, जो अलग कर दिया गया था तो कब मर्ज कर गया था, तो 2017 होगा, क्या होगा, 2017 में इसको जा करके फिर मर्ज कर दिया गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा है, ये बीपीएससी में भी पूछा था और बिहार दरोगा मेंस में भी पूछा था, ठीक है। ये क्वेश्चन हम डायरेक्ट बच्चों को बताए भी थे और डायरेक्ट उससे क्वेश्चन ये आया भी था, तो ये भी एक क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। अब कुछ क्वेश्चन भी हम लिखे हुए हैं, उसको थोड़ा सा आपको हम आपको बता देते हैं। अब देखिए करंट में आपका जो मान लीजिए सपोर्ट डेट की आपका एससी और एसटी, ठीक है, 84 और 47, ठीक है ना, 84 और 47 है। तो एससी की सीटों की संख्या और एसटी की सीटों, इसको भी नोट लिख कर लीजिएगा, ये 84 है और ये 47 है, ठीक है। ये पहले 79 था, ये 41 था, लेकिन करंट में जो है जा करके क्वेश्चन पूछेगा कि लोकसभा में अनुसूचित जाति की संख्या कितनी है, तो सही उसका आंसर क्या होगा, 84 होगा। अगर अनुसूचित जनजाति पूछेगा तो 47 होगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, अब मान लीजिए कि संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। संघ सूची में अभी करंट में जाकर के 100 विषय हो गए हैं, ठीक है। समवर्ती सूची में आपका जाकर के 52 विषय हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद राज्य सूची में पहले 66 से घट करके 61 विषय हो गया है। तो ये जो सातवीं आपका बात जो कर रहे थे वही के बात है। और भी आपको बहुत सारे पॉइंट्स है जो कि आपको क्वेश्चन हमने लिखा भी है, आपके एक दो क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं, उसके अनुसार जो है आप उसको अराइज कीजिएगा। जब लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित रहते हैं तो उस स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, एक अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि आपको
इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है? तो तीन क्वेश्चन आपको सही दिया हुआ है और चौथा क्या है कि गलत दिया हुआ है। ये सब क्वेश्चन आपको जब पढ़ाएंगे तो अब बोले संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करती है किन किन परिस्थितियों में, अनुच्छेद आपका 250 का नाम सुने होंगे है ना। ऐसे भी आपको ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 121 कहता है कि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्य के संबंध में संसद में जो है बहस नहीं होगी। अनुच्छेद कितना कहता है 221, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह बहस सिर्फ जो है न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति को संबंध प्रस्ताव जरिए हो सकता है। तो बहुत सारे आर्टिकल हैं, आर्टिकल आपको बता भी दिए है ना। 123 क्या है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। 122 में क्या है कि वो कार्यवाही के बारे में न्यायालय पूछताछ कर सकता है संसद की कार्यवाही के बारे में। 117 में वित्तीय विधेयकों को संबंधित जो है का विशेष प्रावधान किया गया है और ऊपर में आपको बहुत सारे चीज़ बताए हैं। 79 भी बता दिए, 80 भी बता दिए, 81 भी बता दिए आपको, 87 भी, 85 भी, 110 भी, 112 भी, 117 भी, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो है लोकसभा से रिलेटेड है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हमारे तरफ से हैं जो कि आपको जो है और भी इसमें पढ़ाया जाएगा, सही है, ठीक है ना। तो जैसे प्रोटेम स्पीकर वगैरह के बारे में जो बताएं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से जब आप पढ़ेंगे, जब मेहनत करेंगे, क्वेश्चंस को एराइज करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कि आप लोग शून्यकाल के बारे में सुने होंगे, आधे घंटे का चर्चा भी होता है, ये भी आप संसद की प्रश्न प्रक्रिया के मैं बारे में बात कर रहा हूँ, उसका टॉपिक बाय टॉपिक जब पढ़ाएंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। अल्पकालिक चर्चा भी होता है, उसको क्या सचेतक का भी नाम सुने होंगे, ठीक है ना। प्रश्नों का प्रकार, ये सब जो है उसी में आपको आ जाएगा। जैसे आप लोग देखते होंगे कि भारत की संचित निधि, ठीक है ना, भारत की संचित निधि है, आकस्मिक निधि है। भारत की संचित निधि का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 266 में है और संसद आकस्मिक निधि का 267 में है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। अब जैसे पढ़े होंगे आप लोग जो है कि प्राकलन समिति और लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति में जो है 30 सदस्य होते हैं, केवल ओनली फॉर आपका लोकसभा के ही सदस्य होते हैं, ठीक है। और लोक लेखा समिति में आपका 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 गो लोकसभा के होते हैं और 7 गो जाकर के आपको राज्यसभा के होते हैं, इसको जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको एराइज हो सकता है, बहुत अच्छी अच्छा। और एक बार और भी बात बता देते हैं कि जो भी आप लोग अभी तक से जो टॉपिक हमने जो दिया, ठीक है ना, तो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स पर चर्चा हम करते हैं। और जो लोग भी आप लोग मान लीजिए कि हम लोग जो है ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से भी क्लास हम लोग लेते हैं, तो ऑनलाइन के माध्यम से अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास जुड़ना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर एक नंबर है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, 7541834303। एक और नंबर है 9931843263। ये दो नंबर है, इसमें ऑनलाइन टेस्ट और ऑनलाइन क्लास, इसमें मैक्सिमम बच्चे जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि कहीं ऐसा ना मौका आपसे चूक जाए कि आपका प्री में ही रिजल्ट ना हो। हो सकता है कि प्री के बाद मेंस में आपको अनुभव हो कि नहीं, राकेश सर का टेस्ट और क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए प्री से ही आप लगिए। प्री में अगर मेहनत करेंगे, प्री में अगर लेकर के चलते हैं सारा बेसिक सारा टॉपिक, तो निश्चित तौर पर आपका मेंस की तैयारी बहुत ही बेजोड़ होगा, ठीक है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि प्री के लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आपको राकेश लाल ही काफ़ी है, ठीक है। तो निश्चित तौर पर जो है आप लोग इस नंबर पर आप लोग क्वेरी करिएगा, व्हाट्सअप करिएगा, फ़ोन करिएगा और निश्चित तौर पर जो है आपको हम लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे। आप लोग को समझ में आ गया ना, फिर से एक बार हम नंबर नोट कर देते हैं 7541834303, ठीक है, और 9931843263। तो इसमें जो है ऑनलाइन टेस्ट जो है हम लोगों का स्टार्ट है और ऑनलाइन क्लास भी जाकर के आपको 2 जून से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और एक और आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि पटना में आपका ब्रांच जो है ऑफलाइन बहुत जल्द खुलने वाला है, जिसमें जो भी आप लोग इच्छुक बच्चे होंगे कम्युनिटी पोस्ट पर कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम लोग समझ सके कि हमारे कितने फॉलोअर हैं और कितने फॉलोअर नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, राकेश सर की क्लास, राकेश लाल की टीम, ये सब जो है मेरे लिए फ़ायदेमंद है, तो निश्चित तौर पर जो है व्हाट्सअप करिएगा, कॉल करिएगा और आपको उसका रिस्पॉन्स दिया जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद।